पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही ग्रीन आर्मी बूढ़ा गार्डन को बचाने के लिए सामने आई है। प्रदेश मीडिया प्रभारी शशिकांत यदु ने बताया कि पर्यटन विभाग को चौपाटी के नाम पर तालाबों और धरोहर से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जहां चौपाटी निर्माण किया जा रहा है, वहां से बहुत ही नजदीक दानी गर्ल्स स्कूल है। जाहिर सी बात है, पालक अपनी बेटियों की सुरक्षा की दृष्टिकोण से गर्ल्स स्कूल में दाखिला करवाते हैं। ऐसे में चौपाटी के निर्माण से बेटियों की सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं। चौपाटी की छत से दानी गर्ल्स स्कूल सीधे दिखाई दे रही है। यही नहीं, यहां हजारों स्थानीय निवासी से लेकर शहरवासी तक मॉर्निंग वॉक, योगा एवं स्वास्थ्य लाभ लेने रोजाना उपस्थित होते हैं। जिस पाथवे पर चलकर लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, वहां इतनी बड़ी लोहे का स्ट्रक्चर खड़े कर चौपाटी का निर्माण इंसानों के साथ पंछियों, जीव जंतुओं से लेकर पर्यावरण के लिए हानिकारक है। साथ ही हमारा धरोहर बूढ़ा तालाब केवल एक डस्टबिन बनकर रह जाएगा। जमीन को तोड़ के ऑक्सीजन बनाना पड़ता है, तो हम समय रहते हो उसमें आए। तो मेरा शासन से, प्रशासन से सबसे अनुरोध है कि चौपाटी आपको जहां बनाना है वहां बनाइए, लेकिन गार्डनों को बर्बाद करना बंद करिए। बंद करो। जनप्रतिनिधि होश में हो। आगन के अंदर चौपाटी संस्था प्रदेश अध्यक्ष अमिताभ दुबे ने कहा, बूढ़ा तालाब में चौपाटी निर्माण के लिए संस्था पहले भी विरोध दर्ज करा चुकी है। संस्था वर्ष 2019 में एक व्यक्ति एक धमेलाकार सेवा प्रदान कर बूढ़ा तालाब को बचाने एवं संवारने हेतु कार्य कर चुकी है, जो शहरवासियों से अछूता नहीं है। ऐसे में पाठवे पर अगर चौपाटी निर्माण का कार्य किया जाता है, तो संस्था इसके विरोध में रोड की लड़ाई लड़ेगी। श्री गुरदीप टुटेजा ग्रीन आर्मी रायपुर जिला अध्यक्ष ने कहा, चौपाटी बनी तो उसमें लगने वाली छोंक से टहलने वाले से लेकर जीव जंतुओं का जीना दूभर हो जाएगा। प्रदेश मीडिया प्रभारी शशिकांत यदु ने बताया कि ग्रीन आर्मी रायपुर ही नहीं वरन छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में कार्य कर रही है। संस्था द्वारा बूढ़ा तालाब धरोहर को बचाने हेतु वर्ष 2019 में मानव श्रृंखला बनाई थी। इसके अलावा शहर के विभिन्न तालाबों जैसे गजराज बांध, चौघड़िया तालाब, महाराज बंध तालाब, शीतला तालाब, आमा तालाब, करबला तालाब, सुंदर नगर तालाब, तीन तरिया तालाब जैसे अनेकों धरोहर को बचाने हेतु अपनी आवाज बुलंद कर चुकी है। ग्रीन आर्मी संस्था द्वारा आज लगभग 100 सदस्यों एवं स्थानीय निवासियों के उपस्थित में चौपाटी निर्माण का विरोध दर्ज किया गया। इस विरोध प्रदर्शन समाचार को जनता के हित में रायपुर के विभिन्न प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने स्थान प्रदान किया है। हम ग्रीन आर्मी संस्था की ओर से समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आभार व्यक्त करते हैं। इसके बावजूद भी अगर चौपाटी निर्माण सफल रहा तो फूड सामग्री की खरीद नहीं करने हेतु शहरवासियों से अपील करेंगे। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों एवं पर्यावरण प्रेमियों का प्रदेश अध्यक्ष श्री अमिताभ दुबे ने आभार व्यक्त किया है।